हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर सहेलिया। गर्मी के दिनों में सब्जियाँ की वेराइटीज़ बाज़ार में कम मिलती है, तो हमें दिक्कत रहती है कि हम कौन सी सब्जी बनाएं। तो आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी दिखाने जा रही हूँ जो गर्मी के दिनों में हमें ये खाने से बहुत ही हेल्दी रहती है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि इसमें हम डालेंगे खसखस, और खसखस हमारे शरीर को बहुत ही ठंडक देती है। तो आज हम बनाएंगे खसखस और ओनियन की सब्जी। तो लेट्स शुरू करते हैं अपना ये अगला प्रोसेस। इसके लिए हमें ये ओनियन लिए हैं, लगभग मैंने ये 8 से 9 ओनियन लिए हैं और स्लाइस में काट लिए हैं। फिर ये 1 चम्मच जितना अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट लिया है। ये मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं और उसको पीसेस कर लिए, हाफ पीसेस कर लिए हैं सॉल्ट टू टेस्ट, और हरा धनिया फॉर गार्निशिंग, एंड 1/4 कप ऑफ खसखस जो मैंने भिगो के रखी है और उसकी पेस्ट बनानी है। तो प्रोसेस शुरू करते हैं। ये खसखस की पेस्ट हमने कर ली है और ये लुक में ऐसी दिख रही है। लेकिन हम पहले ये काजू आधा चम्मच तेल डाल के हमें ये काजू पिंक कलर आ जाए तब तक पकाना है। हो गए हैं अब हमारे काजू, तो हम गैस ऑफ कर देंगे। हमने एक पैन में 3 से 4 चम्मच जितना तेल लिया है और ये गर्म हो गया है, तो अब हम सारे ओनियंस जो काट के रखे थे वो डाल देंगे। इस रेसिपी में हमें ये ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो फास्ट फ्लेम पे ही करना है। तो फास्ट फ्लेम पे हम ये ओनियन पकाएंगे तो उसमें जो स्वीटनेस है उसका टेस्ट एनहेंस हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये ओनियन अब हो गए हैं, तो अब हम इसमें खसखस का पेस्ट, अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट और सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी, लगभग आधा कप जितना पानी लिया है, जो खसखस हमने क्रश की थी वो पॉट में से हमने पानी डाल के निकाल लिया और फिर इसमें डाल दिया है ताकि सब पेस्ट आ जाए। अब हमें इसे ढक कर 2 से 3 मिनट तक पकाना है। दो तीन मिनट के बाद हम ये देख लेते हैं। तो अब ये हमारी सब्जी हो गई है और ऑयल अब ऊपर आने लगा है, तो अब हम गैस ऑफ करके हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करेंगे। इस रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें। और जाते जाते मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि खसखस जिस भी सब्जी में डले उसमें प्लीज़ हल्दी का यूज़ मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।